أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو مفن ایک بار پھر اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ اسائنمنٹ کی ہو چاہے وہ جی ڈی بی کی ہو چاہے وہ کوئزز کی ہو وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہے اس میں اگر کوئی کہیں غلطی پلس مائنس کرنا پڑے تو وہ آپ لوگ اپنے اینڈ سے کر لیا کریں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایچ آر ایم 627 ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایک ہمارا سبجیکٹ ہے اس کی اسائنمنٹ نمبر 1 جو آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اپنی اس اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ایک کیس دیا گیا اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان سوسائٹی کیس کیا ہے جی ٹیکنالوجی ہیز کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ دی وے آف لائف ان ایوری اسپیکٹ اسپیشلی ڈیلنگ ود سوسائٹی مور اوور ٹیکنالوجی آلسو چینج دی میتھڈ آف ایجوکیشن کمیونیکیشن بزنس آرٹ اینڈ لٹریچر اٹ از دی ریزلٹڈ ان دی انہینسمنٹ ان دی کور فیزز آف لائف ٹیکنالوجی ہیز براٹ اوور سوسائٹی کلوز ٹو ایچ ادر ویئر وی کین ٹیک اینی انیشیٹو اباؤٹ any social issue or discuss any matter of concern regarding the society. The modern technique and tools have become a cornerstone of human social life, but the misuse of modern technology have influenced the economic and social aspect as well as the people behavior negatively. It is the need of the hour to make all out collective effort to protect our society from the dangers of modern technologies and work together to take advantage of such resources properly. ये हमें एक केस दिया गया और हमसे पूछा किया गया इन द लाइट ऑफ द अबव सिचुएशन हाउ वी कैन ओवरकम द मिसयूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल फुली यूटिलाइजिंग इट्स बेनिफिट कि हम किस तरह मतलब कम कर सकते हैं उसका मिसयूज को या उस पर ओवरकम कर सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुराद ये न्यू डिवाइसेस जो हैं हमारे पास कंप्यूटर है लैपटॉप है टैब्स हैं और मोबाइल हैं ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़िम्मे में आती हैं इंटरनेट है तो हमने ये बताना है कि हम इसका जो मिसयूज़ हो रहा है उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसके सोल्यूशन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं मैं बारी बारी इन पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ तो आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को ले लें या इसमें से कुछ पॉइंट ले लें और फिर अपने अल्फाज में उसकी डिटेल दे दें फॉलोइंग आर सम वेज टू ओवरकम द मिसयूज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दिस रिगार्ड आई हैव रिटन अ फर्स्ट पॉइंट मॉनिटर द यूज़ ऑफ इंटरनेट कि हमने सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट की जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर सकें उस पर ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकें और ये देख सकें कि कौन सा बंदा जो है क्या यूज़ कर रहा है वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है अगर वो हार्मफुल है या वो किसी हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहा है तो हम उसको पनिश कर सकते हैं तो सबसे पहले हम मतलब यही देखेंगे कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं और उस पर जो हमारे इंटरनेट पर ट्रैफिक आ रही है या जो लोग आ रहे हैं उनको मॉनिटर करें कि उसमें से कौन से लोग जो हैं वो ठीक हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करें तो हम उनको वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं इस तरीके से हम इस मतलब एक इशू के ऊपर ओवरकम हासिल कर सकते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस रिगार्ड फिल्टर द साइट्स एंड कंटेंट प्रोवाइडेड ऑन इंटरनेट दैन हम ये करें कि हमारा जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है या जो साइट्स हैं जो हमारी पॉलिसीज़ को मीट नहीं करती स्पेशली सोशल मीडिया आजकल जो है वहाँ पे मतलब ये चीज़ बहुत आम है वहाँ पे हैकिंग के हवाले से जो साइट्स हैं या जो हैकिंग के हवाले से वीडियोज़ हैं या जो मिसयूज़ है इंटरनेट का जो हमारे बच्चे कर रहे हैं
एफ ए जितना भी कंटेंट है या एफ ए जितने भी फाइट्स हैं उसको ब्लॉक किया जाए, उसको बंद किया जाए या ख़त्म किया जाए, फिर फिल्टर किया जाए। इस तरीके से हम जो है उसके मिसयूज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। देन जो है टेक एन एक्शन हो वायलेट द पॉलिसीज। फिर हम ये देखें जो बंदा मिसयूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी का, या हमारे मॉनिटरिंग के ज़िम्मे में ऐसा कोई पर्सन आ जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ एक एक्शन भी लें, मतलब उसको कोई पनिश करें, उसको कोई सज़ा दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है हमारी पॉलिसीज़ को जो वायलेट ना करें। उसके बाद फ़ाइन है, ऐसा बंदा जो मतलब हमारी पॉलिसीज़ या हमारे जितने भी प्रोसीजर हैं उनको वायलेट करता है तो उस पर हम फ़ाइन भी लगा सकते हैं, उसको इम्प्रीजमेंट, उसको जेल भी भेज सकते हैं, या ये दोनों भी कर सकते हैं कि उसको फ़ाइन भी लगा दें और उसको जेल भी भेज दें, और उसको ये इन चीज़ों से भी जो है हम जो उसका मिसयूज़ है टेक्नोलॉजी का या साइंस का उसको कम कर सकते हैं। अगर फाइबर ला की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जब एक चीज़ बनी है कि जिसके ज़रिए हम मतलब उसका मिसयूज़ या जो बाकी के मामलात हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो लॉ इम्प्लीमेंटेड हैं हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन साइबर लैग के हवाले से कुछ ड्राबैक्स हैं तो उनको ख़त्म करना चाहिए, और उसकी प्रॉपर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो आई थिंक देन वी हैव टू कंट्रोल दी मिसयूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग ऑफ यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम इस चीज़ के ज़रिए भी मिसयूज़ कम कर सकते हैं कि हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, मतलब जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दें कि कैसे वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि उसका मिसयूज़ करें। उसके बाद है सेमिनार अबाउट मिसयूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोगों को ये बताएं कि आप ये जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नुकसान क्या है, तो लोगों को अवेयरनेस दें। इस चीज़ के ज़रिए भी हम मिसयूज़ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। टाइट पॉलिसीज़ बनाएं, बहुत सख्त मतलब होनी चाहिए। जैसे ही कोई बंदा इसमें मतलब अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देंगे, तो देन जो है वी कैन कंट्रोल द मिसयूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ब्लॉक कंटेंट है, ये पहले भी बात की है कि हम जो है इंटरनेट के ऊपर या हमारी जो न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें जितना भी कोई ऐसा कंटेंट है जिससे हमें लगता है कि लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, तो हमें ये कंटेंट जो है वो सारा डिलीट करना चाहिए, या कोई ऐसा कंटेंट जो हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करता या हमारी पॉलिसीज़ को मीट नहीं करता या हमारी पॉलिसीज़ को वायलेट करता है, तो ऐसा सारा जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा डिलीट होना चाहिए या ब्लॉक होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कर लेती है तो मेरा ख्याल है कि हम लोग 70% तक जो मिसयूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो सारा का सारा ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद है कंफर्म बिफोर पब्लिश, और जितना भी कंटेंट मतलब जो न्यू अपडेट होता है या पब्लिश होता है हम उसको सबसे पहले चेक कर लें, उसको सबसे पहले कंफर्म कर लें कि आया ये मतलब सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, आया ये लोगों को फ़ायदा देगा, आया इससे अवाम को फ़ायदा मिलेगा, आया इससे हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, आया इससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी, आया इससे हमारे इकोनॉमिक जो कंडीशन है कंट्री की वो बेहतर होगी। तो ऐसा जितना भी कंटेंट है उसको सबसे पहले जो है वो कंफर्म किया जाए, उसको सबसे पहले चेक किया जाए, और फिर जो है वो पब्लिश किया जाए, और फिर जो है वो आवाम के सामने लाया जाए। अगर हम लोग मतलब इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लेते हैं तो फिर हम मतलब क्वालिटी बेस्ड जो कंटेंट है उसी को पब्लिश करेंगे, और जो बाकी का कंटेंट है वो सारे का सारा ऑलरेडी ही मतलब ख़त्म हो चुका होगा तो वो हमारा नहीं आएगा। तो ये दोस्तों मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं, उम्मीद है कि आप लोग इनसे जो है फ़ायदा उठाएंगे, और अगर इसमें कोई एडिशन है तो वो आप लोग अपने एंड पे कर लिया करेंगे। दोस्तों ये हमारी मतलब असाइनमेंट है HRM 657 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। इसी तरह मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए, और मोहसिन भाई की वेबसाइट यूट्यूब
VUFFF.com देखते रहिए, वहाँ पे मैंने फ़ाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। अगर किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वहाँ पे मिसिंग है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे ताकि मैं जो है टाइमली उसका वो अपडेट कर दूँ। इसी तरह मोहसिन भाई का चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।